नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस वीडियो में YouTube C++ ट्यूटोरियल में। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट कर सकते हैं, तो आज इफ़ एल्स स्टेटमेंट में आप क्या क्या छोटी छोटी गलतियां कर सकते हो जिसकी वजह से आपका जो कोड है वो एक बहुत ही बड़ा सा बग प्रोड्यूस कर देगा और आपका कोड फट जाएगा। तो ऐसा ही इसी तरीके की कौन सी तीन चार तरीके की गलतियाँ जो आप इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट या फिर नेस्टेड इफ़ लिखने में आप कर सकते हो, तो हम उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो C++ कोर्स में मैं एक और एक फ़ाइल बना लेता हूँ अपने बिगिनर में ही, और जिसको मैं बोल दूँगा 052 पार्ट है और ये इफ़ स्टेटमेंट मिस्टेक। मैं हमेशा अपने कोड को है ना वो पूरा एक लिखता हूँ ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैं किस तरीके का कोड लिख रहा हूँ। कि नाम आपको एक डिस्क्रिप्टिव लिखना चाहिए, छोटा मोटा 1 2 3 4 लिखने से पता नहीं चलेगा। जब मैं इसको जब भी देखूंगा ना तो मुझे पता चलेगा हाँ मैंने कुछ इसके अंदर इफ स्टेटमेंट की मिस्टेक्स लिखी हैं, ये लिखा है वो लिखा है, तो ये सब चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। ओके, अगर आपको फाइल चाहिए ये सारी तो फिर आपको मिल जाएंगी। कहाँ पे आपको पता है, गिटहब पे जाना है, नीचे लिंक दिया है, गिटहब पे आप जा सकते हो। ठीक है, तो हम कुछ गलतियां देखते हैं जो हम कर सकते हैं अपने इफ स्टेटमेंट को लिखने में। तो पहले अपनी हेडर फाइल वगैरह इंक्लूड कर लीजिए क्योंकि इन हमारा काम नहीं चलेगा, इंट स्पेस एसटीडी और इंट मेन। ठीक है, तो मेन इंट मेन फंक्शन में डाल दिया। तो जब भी आप नेस्टेड इफ बनाते हो, लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट एंटर अ नंबर। ठीक है, और मैं कुछ ऊपर नंबर स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना, तो इंट नम करके मैंने एक ये डाल दिया। और फिर मैं क्या डाल रहा हूँ यहाँ पे, व्हाट आई विल राइट सी इन नम, नम में मैंने इसको स्टोर कर लिया। ठीक है, ये तो मैंने एक नंबर डाला और नम में मैंने स्टोर कर दिया। अब नेस्टेड इफ क्या होता है, सपोज करो अगर आपने, मैं चेक करना चाहता हूँ आपने ग्रेटर देन ज़ीरो डाला, तो इफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो तब क्या करो, तब एक जो ब्लॉक ऑफ कोड बना रहे हैं उसको, अच्छा इसको दिखने से पहले मैं एक छोटी सी आपको चीज़ एक और बता दूं कि लेट अस सपोज बहुत सारे लोगों का अपना लिखने का अलग अलग तरीका होता है कोड। सपोज करो मैं इफ़ लिख रहा हूँ और इसके अंदर मैं कुछ कंडीशन लिख रहा हूँ, तो मेरी क्या आदत है कि मैं जैसे ही ये ब्रैकेट क्लोज होगा यहाँ पे, मैं इसके बाद में ये कर्ली ब्रेस शुरू कर देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, इसके बाद एंटर लगाते हैं और यहाँ से कर्ली ब्रेस शुरू करते हैं। वो आपके अपने ऊपर है कि आप उस लाइन से शुरू कर रहे हो या दूसरी लाइन से शुरू कर रहे हो, दैट्स ऑल अप टू यू। मेरी हमेशा ये आदत है, इससे मुझे एक वो पता चलता रहता है हाँ ये नेस्टेड इफ यहाँ, ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये अपना तरीका है, अगर आप चाहो तो आप नेक्स्ट लाइन से भी इसको डाल सकते हो, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, ओके, तो इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स नहीं सॉरी हमने क्या लिया है नम, नम इज ग्रेटर देन जीरो, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लगाना चाहता हूँ। अगर नम की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और नम की वैल्यू लेस देन 20 है, यानी इफ नम इज लेस देन 20, तब क्या यहाँ पे प्रिंट कर दो, कुछ प्रिंट कर दो, सी आउट नम इज बिटवीन 0 and 20। ठीक है, सिंपल सा ये रहने का रह जाएगा। क्लियर, सिंपल सा चीज़ है। क्या है कि आप एक इफ स्टेटमेंट है, अगर ये इफ स्टेटमेंट या फिर एक यहाँ पे मैं एक और डाल दूँ इनसाइड फर्स्ट इफ। ठीक है, इनसाइड फर्स्ट इफ ये मैंने डाल दिया। ओके, तो जब आप इनसाइड फर्स्ट इफ है मीन्स आप पहले इफ के अंदर हो, और इनसाइड सेकेंड इफ मतलब आप 0 इज एंड बट 20 है, तो फिर आप सेकेंड इफ के अंदर हो। क्लियर, ठीक है, ये तो अब अगर इसको रन करूं मैं तो कैसे रन होगा, बिल्ड करेंगे हम इसको कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करके, तो ये बिल्ड होने लगेगा। ठीक है, कोड हमारा कंपाइल हो चुका है, इसको हम कर देते हैं क्लियर। और जैसे ही हम क्लियर करेंगे अब हम इसको क्या करेंगे, CD01 में जाएंगे एंड लेट्स राइट ./05_2 इफ स्टेटमेंट .exe एंटर नंबर, तो मैं एक नंबर एंटर करता हूँ 10 जो कि 10 0 20 के बीच में। तो क्या किया, इनसाइड फर्स्ट इफ, पहले फर्स्ट इफ में गया वो ट्रू किया और 10 इज बिटवीन 0 and 20। बट अगर मैं कोई एक नंबर एंटर कराता हूँ जो कि 0 से बड़ा नहीं है, ठीक है, या फिर कह सकते हो जो कि 20 से बड़ा है, तो सपोज करो मैंने 22 डाल दिया, तो ये क्या कर दिया, फर्स्ट इफ के तो अंदर जाएगा लेकिन सेकेंड इफ के अंदर नहीं जाएगा और ये इनसाइड फर्स्ट इफ लिख जाएगा। यानी फर्स्ट इफ के अंदर तो गया बट यहाँ पे सेकेंड इफ के अंदर नहीं गया, तो इनसाइड फर्स्ट इफ लिखा और ये इज बिटवीन 0 and 20 नहीं लिखा। ठीक, तो ये तो नेस्टेड इफ का फंड है। अब इफ स्टेटमेंट में एक और चीज़ होती है कि अगर आपने लिखा है इफ नम इज लेस देन 0 और इसके बाद इफ नम के बाद आप सिर्फ एक ही लाइन लिखना चाहते हो, ठीक है, मैं लिखना चाहता हूँ कि नंबर इज़ निगेटिव,
क्योंकि जीरो के अंदर जीरो होगा। तो इसके लिए आपको कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इफ़ के बाद सिर्फ आपको सिंगल एक लाइन लिखनी है तब फिर आपको कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड की जरूरत नहीं है। यहाँ पे C++ ऑटोमेटिकली इसको एक ब्लॉक लगा लेता है। ठीक है, मैं इसके आगे आपको करके बता सकता हूँ, आउटसाइड दी इफ़। ठीक है, आउटसाइड दी इफ मैं बोल दूंगा यहाँ पे, और इसके बाद एक एंडल लगा देते हैं। ठीक है, इधर भी एंडल लगा देते हैं एक, ताकि हमारी लाइन चेंज होती रहे। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे, ये जो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है लाइन नंबर 17 जो हमने लिखा है, इसमें मैंने कोई भी कर्ली ब्रेस नहीं लगाया, तो इसमें ये ऑटोमेटिकली, अच्छा एक मिस्टेक हो गया, चलो अब रन कर देते हैं, वो छोटे छोटे मिस्टेक भी पकड़ लेता वो। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, मैं इसको एंटर करूँगा, और ठीक है, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो देखो एंटर नंबर बोल रहा है, और मैं एक नेगेटिव नंबर एंटर करता हूँ, -12 एंटर किया तो नंबर इज़ नेगेटिव, मतलब ये इस पे गया और आउटसाइड द इफ़ स्टेटमेंट। बट अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर एंटर करूँ जैसे 12, तो आउटसाइड द इफ़ तो रन करेगा, बट नम इज़ लेस देन जीरो वाला जो फंडा है वो रन नहीं करेगा। तो 12 इज़ बिटवीन 0 and 20 नेगेटिव। तो इसका मतलब कि अगर आपको सिंगल एक लाइन लिखनी है और आपको अगली लाइन इफ़ के अंदर एग्जीक्यूट करानी है, तो फिर आपको कर्ली ब्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इसी चीज़ में आपका जो सबसे पहला जो एरर आता है, जो आप गलती कर सकते हो, वो नेस्टेड इफ़ और इस इफ़ के बीच में जो मिस कॉमन मिस्टेक है। लाइक सपोज करो हमने यही लिखा है इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और मैं इस स्टेटमेंट को कुछ अलग तरीके से मैं लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू डू मिस्टेक वन। ठीक है, मिस्टेक वन हमारी क्या हो सकती है, तो मैंने क्या लिखा, इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, तब उस टाइम पे क्या करो, आप एंटर मारो, आपको नेक्स्ट लाइन क्या एग्जीक्यूट करानी है, इफ़ नम इज़ लेस देन 20। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन इफ़ है, तो अब ये इफ़ ब्लॉक में चला जाएगा, और फिर मुझे इसके बाद सिंपल एक लाइन एंटर करानी है, और वो क्या एंटर करानी है कि नम इज बिटवीन 0 and 20। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे मुझे एक और लाइन होती है, अगर मैं ये लिखता है कि सी आउट इनसाइड, या फिर क्या लिखा था हमने, इनसाइड फर्स्ट इफ। ठीक है, अगर कुछ हम ऐसा लिखते तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ यही लाइन एग्जीक्यूट करता है, ये नहीं करेगा। अब हम इसको अभी देखेंगे कैसे ये चीज़ चलेगी, तो अभी मैं इतना देखता हूँ, इफ नम इज़ ग्रेटर देन 20, तो फिर ये इतना है, और क्या किया यहाँ पे, ये रन कर दिया। क्लियर, और अब हम इसको रन करते हैं, तो अब इसको अगर मैं रन करूंगा तो देखना यही चीज सिंपल चलेगी जैसे अभी तक हमारी चल रही थी। बहुत ही छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम कभी कभी कर जाते हैं अपना एक हीरो बनने के लिए। ठीक है, तो एक बार टर्मिनल क्लियर करते हैं हम, और लेट्स रन। इसने क्या बोला, एंटर ए नंबर, तो 10 एंटर करा देते हैं हम यहाँ पे। 10 करा दिया तो क्या बोला, 10 इज़ बिटवीन 0 and 20, इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। बट अगर मैं यही यहाँ पे, अब देखना कि सिर्फ एक ही लाइन एग्जीक्यूट करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट इनसाइड द फर्स्ट इफ, और अब मैं जैसे इसको बिल्ड करूँगा तो बिल्ड होने के बाद में ये क्या बोलेगा, सिर्फ एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज़ लाइन नंबर 20। तो हमारे पास अब जैसे ही हम रन करेंगे ना, मैंने 10 डाला तो 10 इनसाइड फर्स्ट इफ 10 इज़ बिटवीन 0 and 20, क्योंकि ये जो है ये दूसरा वाला ब्लॉक है, ये दूसरा वाला हम यहाँ पे रन कर रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट, तो वो तो अलग ही चीज़ चला जाएगा। ठीक, ये तो अलग चीज़ हो गई। बट जो पहली मिस्टेक जो हम करेंगे, अगर मुझे क्या करना है, मैं इसके बाद में एक मैं एल्स डालना चाहूँ, कि जैसे हमने देखा था मैंने एक एल्स डाला, और एल्स मैं क्या डालना चाहता हूँ, व्हाट एल्स डू वी वांट, वी वांट एल्स स्टेटमेंट दैट सी आउट नंबर इज नेगेटिव। ठीक, अब ये जो एल्स स्टेटमेंट है, ये एल्स स्टेटमेंट किसके साथ में है, इस आउटर वाले इफ के साथ में या फिर इनर वाले इफ स्टेटमेंट के साथ में? हमने किसके लिए लगाया, हमने तो भाई ये आउटर वाले इफ स्टेटमेंट के लिए लगाया कि अगर नम की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो फिर ये करो, अगर नम की वैल्यू लेस देन जीरो है तो फिर आपका नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बट कंपाइलर इसको किसके लिए लगेगा वो चीज़ है। तो इस एरर को हम क्या बोलते हैं, दैट एरर इज नोन एज, या फिर इस मिस्टेक को आप क्या बोलते हो, ये एरर तो नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाता है डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम, कि आपको ये नहीं पता या फिर कंपाइलर को ये नहीं पता कि ये एल्स किसके साथ में पेयर करेगा। अब इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको रन कराते हैं। ठीक है, हम जब इसको रन कराएंगे तो आप देख सकते हो कि मैं इस टर्मिनल को यहाँ पे क्लियर करूँगा जब, और इसके बाद लेट्स राइट दिस, और मैं क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट कि 21। अब जब मैं यहाँ पर 21 लिखूँगा, या फिर अगर सपोज करो मैं पहले 12 लिखता हूँ, तो 12 में क्या कर रहा है, इनसाइड फर्स्ट इफ 12 इज़ बिटवीन 0 and 20।
वर्किंग परफेक्टली करेक्ट. बट अगर मैं कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ या कोई नंबर लिखता हूँ जिसकी वैल्यू जो है वो 20 से बड़ी हो, सपोज करो 25 इनसाइड फर्स्ट इफ, या फिर लेट्स फर्स्टली डिलीट दिस, इसको डिलीट करते हैं, अब बिल्ड करते हैं, ठीक है. चलो बिल्ड हो गया ना, ओके क्लियर द ब्लॉक और लेट्स रन. और मैं 21 एंटर करता हूँ या 25 एंटर करता हूँ जो कि 20 से बड़ा है. तो इस केस में क्या होना चाहिए, इफ नम इज़ ग्रेटर देन जीरो, ठीक ग्रेटर देन जीरो है, 25 इज ग्रेटर देन जीरो. फिर इसमें आ जाएगा नम इज़ लेस देन 20, जी नहीं नम लेस देन 20 नहीं है, तो फिर इसको क्या करना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए सिंपल सा. और एल्स में क्या है, नम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो नंबर इज नेगेटिव वाला भी प्रिंट नहीं होना चाहिए. और यहाँ क्या करना चाहिए, बाहर कोड करके रन कर देना चाहिए. एक मैं बाहर स्टेटमेंट डाल देता हूँ, डाल देंगे बाद में, वो कर जाएगा. बट द आंसर विल बी नंबर इज नेगेटिव. अभी किस लिए आया, द प्रॉब्लम इज दैट ये डैंगलिंग इफ, ये जो एल्स स्टेटमेंट जो आएगा, अगर आपने कोई ब्लॉक ऑफ कोड डिसाइड नहीं किया है तो एल्स स्टेटमेंट आखिरी अनयूज इफ के साथ में लगेगा, ठीक है. किसके साथ लगेगा, जो आखिरी जो फॉल्स इफ होगा, लास्ट फॉल्स इफ, उसके साथ में एल्स लग जाएगा. तो ये किस तरीके का कोड बना, ये जो एल्स स्टेटमेंट है ये इफ के साथ में लगा. तो इफ नम इज लेस देन 20 देन दिस, एल्स आप ये लिखो नंबर इज नेगेटिव, तो वो उसी तरीके से रन कर रहा है. इसको अवॉइड करने के लिए आपको किस तरीके से कोड लिखना पड़ेगा, हम इसी को पूरा कॉपी करते हैं. मैं इसको कमेंट में डाल देता हूँ ताकि आपको याद रहे. और फिर हम इसको जैसे ही यहाँ कॉपी करेंगे, मैं एल्स को इधर डाल देता हूँ, इसको मैं टैब दबा के इधर डाल देता हूँ. और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा क्या करूँगा, एक मैं कर्ली ब्रेस लगाऊँगा, ठीक है. क्या करूँगा मैं यहाँ पे, कर्ली ब्रेस लगाऊँगा और इस कर्ली ब्रेस को यहाँ पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये कर्ली ब्रेस इसका है, और एक कर्ली ब्रेस यहाँ पे लगा देंगे, ठीक. या फिर मैं इसको एंड लाइन में कर देता हूँ. तो इफ़ के अंदर आपका ये पूरा हेल्स चलेगा, ठीक. यहाँ पे इस एल्स को आप ले आओ बाहर, इफ़ एल्स को आप बाहर ले आओ, और अब जो आप एल्स लिखोगे यहाँ पे, दैट विल वर्क फाइन, ठीक है. इसके अंदर आप एक चाहो एल्स और डाल सकते हो कि सी आउट, या फिर आप डाल सकते हो ना यहाँ पे सी आउट नम इज ग्रेटर देन 20, दैट्स कूल. एक आप स्टेटमेंट यहाँ डाल दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है. सी आउट नंबर इज 20 एंड सी आउट आउट साइड इफ, ठीक है. ये एक डाल देते हैं ताकि मतलब हमें पता चले कि कोड जो है वो बाहर आ गया है, ठीक. तो इस तरीके से मैं करना चाहिए आपको. मैं हमेशा यही बोलूँगा कि आप कर्ली ब्रेस हमेशा लगाओ. अभी आप बिगिनर हो तो आप इतना एडवांस मत जाओ कि आप ब्रेसेस नहीं लगा रहे हो. सो कर्ली ब्रेस हमें लगाओ. तो अब हम 25 अगर हम लिखेंगे तो 25 इज ग्रेटर देन 20 आउटसाइड इफ स्टेटमेंट. इफ़ आई राइट लाइक माइनस ऑफ 20 तो ये क्या बोलेगा, नंबर इज नेगेटिव आउटसाइड इफ स्टेटमेंट. इफ़ आई राइट समथिंग दैट इज 10 तो नंबर इज बिटवीन 10 एंड 0 एंड 20, ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, डैंगलिंग इफ. इसके अलावा हम एक गलती और मिस्टेक करते हैं, छोटी सी मिस्टेक और होती है. और वो मिस्टेक हमारी क्या होती है, सपोज करो आपको कोई नंबर को इक्वल दिखाना है. आप चाहते हो कि इफ नम इज इक्वल टू किसके बराबर हो, नम इज इक्वल टू 20, ठीक. नम इज इक्वल टू 20 तो आप एक स्टेटमेंट डालते हो सी आउट यू हैव Entered 20, ठीक है. 20 और एंटर, क्लियर. अगर आप 20 के बराबर है तो अब मैंने आप ऑपरेटर होता है, एक इक्वल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है. तो जो इक्वलिटी ऑपरेटर होता है वो डबल इक्वल होता है. इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक. और जो आपका सिंगल इक्वल होता है, इसका मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, असाइन कर रहे हो, आप उसकी वैल्यू दूसरे में असाइन कर रहे हो. तो अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो आपको डबल इक्वल लगाना पड़ेगा हमेशा, ठीक है. आपको डबल इक्वल लगाना पड़ेगा तभी आपका कोड रन करेगा. अगर सिंगल इक्वल लगाओगे तो फिर देखना क्या पंगा फंसता है आपके साथ, ठीक. कंपाइल हो गया बहुत अच्छे तरीके से. अब जैसे ही आप इसको रन करोगे, मैंने डाल दिया 20, 20 इज ग्रेटर देन 20, यू हैव एंटर्ड 20, क्लियर. और इसके बाद मैं
ठीक है, आपने देख लिया ना। अब सपोज करो यहाँ पे 20 की जगह मैं क्या डालता हूँ, यहाँ पे जीरो डालता हूँ। इफ नंबर इज जीरो तो आप क्या बोलोगे, आप यहाँ पे क्या डालना चाहोगे, यू हैव एंटर्ड जीरो। ठीक है, और मैंने क्या बोला, जब भी आप कोई नंबर जीरो डालोगे तो उसका मतलब क्या है, इफ स्टेटमेंट के अंदर, कंडीशन के अंदर, कि वो जीरो हो गया यानी फॉल्स हो गया। तो इफ तो भैया रन नहीं करना चाहिए। देखो जैसे ही आपने रन किया, मैंने यहाँ पे नंबर डाला जीरो, तो जीरो इज बिटवीन जीरो एंड 20 आउटसाइड इफ। क्या हुआ यहाँ पे, एक अच्छा एक हमने यहाँ पे ब्लॉक लगा रखा है ना, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये बिल्ड हुआ, क्लियर कर दें क्या इसको एक बार। ठीक है, क्लियर करते हैं और लेट्स राइट दिस। मैंने यहाँ पे एंटर डाला जीरो, तो नंबर इज नेगेटिव आउटसाइड इफ। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो रन ही नहीं किया इफ नंबर इज इक्वल टू जीरो, बट जैसे ही हम यहाँ पे एल्स पे जाएंगे या फिर कुछ हमारा करेंगे तो ये रन हो जाएगा, कि यहाँ पे नंबर की वैल्यू आपने असाइन कर दी जीरो के साथ। ठीक है, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वलिटी ऑपरेटर लगाना है, क्योंकि हमें चेक करना है कि नंबर इक्वल टू जीरो है कि नहीं, हमें असाइन नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए ये कंपाइल और रन तो हो जाएगा, बट इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके लिए गलत आएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे जीरो डालता हूँ तो क्या बोला, यू हैव एंटर्ड जीरो, क्योंकि अब यहाँ पे आप इसको कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने चाहिए, एंड दैट्स इट। और इसके बाद फिर आपको एक और मैं बताऊँगा छोटा सा वीडियो, वो भी आप देख लेना। क्लियर, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।